नमस्कार, विभिन्न समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। चीन को झटका, भारत बना एमटीसीआर का पूर्ण सदस्य। एनर्जी में चीन के अड़ंगे के कारण प्रवेश से वंचित रह गए भारत ने सोमवार को चीन को पीछे छोड़ते हुए प्रक्षेपास्त्र प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था में पूर्ण सदस्यता हासिल कर ली। साउथ ब्लॉक में विदेश सचिव एफ जयशंकर ने फ्रांस के राजदूत अलेक्सांडर जिगलर, नीदरलैंड के राजदूत अल्फांसस स्ट्रेलिंगा और लग्जमबर्ग के राजदूत सैम फ्रीनियर की मौजूदगी में 34 सदस्यीय समूह में प्रवेश संबंधी दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। एमटीसीआर में सदस्यता हासिल करने के बाद भारत को सदस्य देशों से अत्याधुनिक प्रक्षेपास्त्र प्रौद्योगिकी हासिल करने तथा रूस के साथ संयुक्त रूप से विकसित ब्रह्मोस प्रक्षेपास्त्र निर्यात करने की छूट मिल गई है। गौरतलब है कि इस समूह में सदस्यता के चीन के आवेदन को पहले ही खारिज किया जा चुका है। वेश्यावृत्ति के आरोप में एक मॉडल गिरफ्तार। पश्चिमी मुंबई के वर्सोवा में प्रोडक्शन हाउस की आड़ में कथित रूप से वेश्यावृत्ति का रैकेट चलाने को लेकर रविवार को एक 24 वर्षीय मॉडल को गिरफ्तार किया गया और दो लड़कियों को मुक्त कराया गया। पुलिस ने परिसर पर छापा मारा, जिसके बाद इस मॉडल को पकड़ा गया। पुलिस के अनुसार यह मॉडल संघर्षरत मॉडलों से संपर्क करती थी, जो फिल्म उद्योग में काम करने की इच्छुक होती थी और फिर वह उन्हें अपने ग्राहकों के पास पहुंचा देती थी। पुलिस को मॉडल के पास से एक डायरी मिली है, जिसमें संघर्षरत मॉडलों की कई तस्वीरें हैं। मुस्लिम होने पर शर्मिंदा हूं बोलकर फंसी महबूबा मुफ्ती। विपक्षी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती पर उनकी कथित टिप्पणी के लिए रविवार को प्रहार किया, जिसमें उन्होंने कहा कि मुस्लिम होने को लेकर वह शर्मिंदा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता जुनैद मट्टू ने दावा किया कि महबूबा मुफ्ती ने पंपोर में शहीद सीआरपीएफ जवानों को श्रद्धांजलि देने के बाद संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि हमले के कारण वह मुस्लिम होने पर शर्मिंदा है। मट्टू ने कहा कि यही महबूबा मुफ्ती है जो कहती थी कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, अब अचानक वह आतंकवाद को इस्लाम से जोड़ रही है, जिसके लिए मुस्लिमों को शर्मिंदा होना चाहिए। सीरिया के हवाई हमले में 25 बच्चों की मौत। संयुक्त राष्ट्र की बाल एजेंसी यूनिसेफ के अनुसार पूर्वी सीरिया में एक कस्बे के व्यस्त क्षेत्र में हवाई हमले में 25 बच्चों की मौत हो गई। यूनिसेफ ने स्थानीय सहयोगी के हवाले से खबर दी है कि स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने दीर अल जोर प्रांत के अलकुरिया कस्बे के मलबे से बच्चों के शव को निकाला। दीर अल जोर का अधिकांश भाग इस्लामिक स्टेट के नियंत्रण में है। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने शनिवार को खबर दी कि अलकुरिया पर हवाई हमले सीरिया या रूस के विमानों ने किए, इनमें अनेक लोग मारे गए। लियोनेल मेसी का अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास। विश्व के महानतम फुटबॉलरों में शुमार अर्जेंटीना के स्टार खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने कोपा अमेरिका कप के फाइनल में चिली के हाथों मिली हार के बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने का फैसला किया है। हार के तुरंत बाद मेसी ने सनसनीखेज अंदाज में एक इंटरव्यू में घोषणा कर दी कि वह अब अर्जेंटीना टीम का प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि मेरे लिए राष्ट्रीय टीम का सफर पूरा हो गया है। हालांकि मेसी बार्सिलोना क्लब की तरफ से खेलना जारी रखेंगे। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webunia.com। नमस्कार।